तीन मसाला चाय। यस सर। हाँ बोलिए। पांच बर्गर। ओके। थैंक गॉड मामा बड़ी लिख रहे हैं, वरना फोन कट होते ही सब भूल जाते। बीस मिनट में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। या भांजे ये ऑर्डर आया है, 20 मिनट में उनका ड्राइवर आके लेके जाएगा। इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। किसने दिया है मामा जी? अरे वो नाम भूल गया, लेकिन ऑर्डर पूरा लिखा है। आई एम सॉरी भांजे। इट्स ओके मामा जी, अच्छा हुआ कि ये होम डिलीवरी नहीं है, ड्राइवर आएगा तो उससे पूछ लेंगे। लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। इट्स ओके मामा जी, पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला वो भी आपके हाथ से हमें। जी कुछ याद है नाम जगह कुछ बोला उसने? क्या हुआ? आधा घंटा हो गया अभी तक ये पार्सल पिकअप करने नहीं आया ड्राइवर। भांजे कहीं मुझसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? मामा जी बहुत बड़ा ऑर्डर है हम लोग का, अगर नहीं आया तो ये सारे पार्सल वेस्ट हो जाएंगे। आ जाएगा जी, ऑर्डर पिक करना था। हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, ये लीजिए पार्सल। थैंक यू। 4200 रुपए हो गए। कल 1300 रुपए की कमाई हुई थी और आज 5500 की। अरे मतलब लगभग 7000 रुपए हो गए। अच्छा है, और अभी तो कैफे बढ़ाने के लिए समय है, तो और भी ग्राहक आएंगे। लाओ भांजे पैसे दो, मैं गले में रख देता हूँ। ओ मामा जी ऑनलाइन पेमेंट है। कोई बात नहीं, हिसाब में लिख देता हूँ। हाँ। हिसाब किताब सही होना चाहिए। बड़ा ऑर्डर? हाँ पहली बार हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। किसने दिया है मामा जी? ₹4500 हो गए। मैडम ने बोला है कि पैसा नहीं देना है। कौन सी मैडम? बाकी बेबी ने भेजा है सर, मैं उनकी फ्रेंड निशा बेबी का ड्राइवर हूँ। आपसे स्कूल में एक दो बार मिला था सर। अरे हाँ हाँ, सब बेबी लोग स्कूल से आपके घर गए तो पाकी बेबी ने बोला है कि कावे में ऑर्डर कर देंगी, सिर्फ आपको पिकअप करना है, पैसे देने के लिए नहीं बोलिए सर। श्योर। पापा थैंक यू। वेलकम बच्चे। मेरे पापा और उनका कैफे बेस्ट है ना? यस। थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम। पहले तो मैं खुद ही बनाने वाली थी। बच्चों की किस्मत अच्छी जो इसने नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि पापा का कैफे है ना, तो वहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। पापा हमने सब कुछ ट्राई किया, इट वाज ऑसम। और पिज्जा तो आउट ऑफ वर्ल्ड था अंकल। बेटा इतना पसंद आया तो पूरा खा लेती, चिड़िया की तरह चुप के छोड़ दिया। चिड़िया जितना व्हाट, यू आर सो फनी दादी जी। आप लोग भी खाइए ना समर। मामा जी खाइए ना प्लीज, वरना ये सब वेस्ट हो जाएगा। चल बाई पाकी, बहुत मजा आया यार, सी यू टुमारो। अरे कुकीज तो ले जाओ, अपने पेरेंट्स को खिला देना। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माँ बाप ही क्यों, पड़ोसी और रिश्तेदार के लिए भी ले जाए। आसमान में ओले की जगह ये कुकीज गिरी थी, जितनी होता है बांटो। और हम सब अपने सारे रिलेटिव्स को बताएंगे कि अंकल का कैफे कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच बेटा। चल बाय 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 बाय, सी यू।
पापा यू आर अ रॉक स्टार। आपको पता है शीना बोल रही थी कि उसे ऐसी ट्रीट कभी नहीं मिली, और निशा वो तो कभी दूध पीती नहीं, लेकिन उसने इस मिल्क शेक के दो सिप लिए पापा, दो सिप। मैं तो मिस पॉपुलर हो गई, अब जब भी मेरी फ्रेंड्स आएगी ना सेम ऑर्डर रिपीट होगा। ऑफ कोर्स पाखी, तुम्हारे पापा का कैफे, जो चाहे ऑर्डर करो। इसमें से कुछ ऐसा है जो झूठा नहीं है? नहीं, सब में से एक एक दो दो बाइट लिए हैं। तो बचे हुए खाने का क्या करें? आई डोंट नो, आप लोग खा लीजिए। बा और बापूजी तेरी सहेलियों का झूठा खाएंगे। तो फेंक दीजिए। क्या कहा तूने? जरा फिर से क्या? सारा खाना फेंक दीजिए। अनाज कैसे उगाया जाता है कभी देखा है? कभी खेत देखा है? किसान को खेत में काम करते हुए देखा है? मूवीज में देखा है, फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, खेतों में गाना गाते हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हम माँ बाप की है। हैसियत होती है तो बच्चों को लंदन पेरिस घुमाने ले जाते हैं, और हैसियत नहीं होती तो लंदन पेरिस की फोटो दिखा के बच्चों को खुश करने की कोशिश करते हैं। असल में माँ बाप को बच्चों को लंदन पेरिस नहीं दिखाना चाहिए, गांव दिखाने चाहिए, खेत दिखाने चाहिए, किसान दिखाने चाहिए। जिसने कभी भी किसान को पसीना बहाते हुए नहीं देखा, बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए नहीं देखा, गेहूं की फसल नहीं देखी, गेहूं की बाली नहीं देखी, उसे गेहूं के दाने की कदर क्या होगी? इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया कि सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी मैंने नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, हम आजकल के माँ बाप की, जो बच्चों को ABCD पढ़ाने में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि अन्न का महत्व सिखाना ही भूल जाते हैं। जब हम बचपन में खाने के लिए बैठते थे ने, तो थाली बजा बजा कर गाते थे कि उतना ही लो थाली में, बेकार न जाए नाली में। यही बात मेरी अपनी बेटी नहीं समझ पाई, इसलिए से मुंह उठा के कह दिया कि बचा हुआ सारा का सारा खाना फेंक दो। मम्मी इट्स नॉट माय फॉल्ट अगर मैंने फार्मर्स नहीं देखे, विलेजर्स नहीं देखे, किसान नहीं देखा है, पर अपने पापा को काम करके मेहनत करके पैसे कमाते हुए देखा है ने। इतनी तो अकल है तुझ में स्वीटी, एक एक पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। समर ये पकड़ और तेरा पॉकेट दे, दे। ये पकड़, 3,500 पकड़। आप ही पैसे मुझे क्या देती हो? ये 3,500 और ये माचिस ले, इसमें आग लगा दे। अनुपमा व्हाट इज, तुमसे बाद में बात करूंगी, तुझसे बात कर रही हूँ। जला आग लगाना इसमें। वो तो है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो पैसों में आग लगा दूंगी। एक बार तो लगा चुकी है ना, तो फिर दूसरी बार लगाने में क्यों हिचकिचा रही है? इधर आ, इधर आ। ये दो पेस्ट्री आधी आधी खा के छोड़ी है, एक पेस्ट्री को बांट के भी खा सकते थे ना, मगर नहीं, 140 रुपए का नुकसान। ये मिल्क शेक निशाने इसमें से दो सिप पिए, दो सिप। वो दो सिप तू उसे चम्मच से नहीं चखा सकती थी? अगर नहीं चखा सकती थी तो छोटा गिलास मंगाना था ने, ये फुल साइज का बड़ा गिलास मंगाने की क्या जरूरत थी? 180 रुपए का नुकसान। ये पिज्जा चार चार अलग अलग बॉक्स खोल के रखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा खा के सब छोड़ दिया है। क्यों? एक बॉक्स खोल के उसे खत्म करके फिर दूसरा बॉक्स नहीं खोल सकते थे तुम लोग? 560 रुपए का नुकसान। ये 200 रुपए का, ये 260 रुपए का, ये 440 रुपए, मतलब बाकी सब कुछ मिला के 3,500, मतलब 4,200 के ऑर्डर में से 3,500 रुपए का तूने नुकसान कर दिया। और कितनी आसानी से कहती है
कि सारा बचा हुआ खाना फेंक दो। कहाँ फेंकू मैं? ओ स्वीटी, कहाँ फेंकू? कुत्तों को खिला दूँ या फिर गाय को खिला दूँ? अरे पर वो ये पेस्ट्री तो खा भी नहीं सकते ना, उनके शरीर को नुकसान करेगा। तो क्या करूँ इसका?